हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो डियर, इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे जेई का जो डीसीएम है उसका 19th नंबर पेपर, जिसमें फिजिक्स का केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स कवर किया गया है। इसमें दो सेक्शंस हैं। सेक्शन पहला पार्ट जो है उसमें हमने जेई मेंस ओरिएंटेड पेपर रखा है और सेकेंड पार्ट में हमने जेई एडवांस ओरिएंटेड पेपर रखा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करें कि चार मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास स्पीड यू, 4U, 10U और 15U है। रेशियो ऑफ देयर आरएमएस स्पीड टू एवरेज स्पीड, आरएमएस और एवरेज स्पीड का रेशियो पूछा गया है। देखिए, यदि इसमें मैं बात करूं आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग, हमारे पास जो वेलोसिटीज हैं वो है u, 4u, द नेक्स्ट डाटा इज 10u एंड 15u। सबसे पहले मैं आरएमएस की बात कर लेता हूं, तो वी आरएमएस इज अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे अपन, है ना। सो दिस वैल्यू विल बी u स्क्वायर प्लस 16u स्क्वायर प्लस 100u स्क्वायर प्लस 225u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो दिस वैल्यू विल बी व्हाट, दिस विल बी 17, दिस इज 100, दिस इज 225, 325 एंड 17 दैट इज 342। So it is 342 u square divided by 4. Now what about the average speed? Average speed is v1 plus v2 plus v3 plus v4 divided by 4. That value will be u plus 4u plus 10u plus 15u divided by 4. तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ रही है 25, 29, 30 u divided by 4. और हमसे RMS by average पूछा गया है, तो VRMS डिवाइडेड बाई वी एवरेज की यदि अपन बात करें, सो दैट वैल्यू विल बी 342 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो इट इज 900 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर सही हो गया, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो ये अपने पास 225 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। सो दिस आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 342 डिवाइडेड बाई 225। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नो इंजन गिवन बाय ईटा एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नो रेफ्रिजरेटर इज गिवन बाय के, देन द इंजन एंड रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन द सेम हॉट एंड सेम कोल्ड रिजर्वर्स, देन मतलब रेफ्रिजरेटर और इंजन जो है वो सेम हॉट और कोल्ड रिजर्वर्स के बीच में वर्क करते हैं, हमें इनके एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बीच रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो देखो, कार्नो इंजन की यदि मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं, तो कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी दी जाती है दैट इज ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1, और रेफ्रिजरेटर के लिए बात करते हैं दैट वैल्यू इज गिवन एज Q2 डिवाइडेड बाय W। सो इट इज Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, याद रखने का तरीका, and that value is 1 upon Q1 by Q2 minus 1, that is 1 upon T1 by T2 minus 1. देखो, यहां से यदि मैं बात करू ना, तो T2 by T1 की value जो मेरे पास आ रही है, that value is coming as 1 minus eta, then T1 by T2, that value will be 1 upon 1 minus eta. ये वाली value बेटा यहां put कर देते हैं, तो it is 1 upon 1 minus eta minus 1, that value comes as 1 upon, सोल्व करेंगे तो ये 1 माइनस ईटा तो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में केवल ईटा बचेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, 3 में बोला गया है कि 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA एज शोन इन द फिगर। प्रोसेस BC इज एडियाबेटिक, टेम्परेचर जो गिवन है ABC के वो अपने को 300, 600 एंड 450 केल्विन गिवन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। तो पहला बोला गया है कि इन प्रोसेस CA चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो CA प्रोसेस है उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस है दैट इज म्यू CV डेल्टा T, 1 मोल CV इज 3R/2, डेल्टा T इज T फाइनल that is TA, that one is 300 minus में TC, that is 450. तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो 3R/2 into minus of 150, 75, तो change in internal energy is minus 225R and it is given as plus 225R, so the first option is incorrect.
चलिए सेकंड वाले ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड वाले में अपने को बोला गया है द प्रोसेस ए बी जो है ना उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्रोसेस ए बी में भी वही म्यू सी वी डेल्टा टी, तो म्यू सी वी इज 3R/2, डेल्टा टी इज टी बी माइनस टी ए, दैट इज 600 माइनस में 300। ये डाटा देखने से ही पता है कि पॉजिटिव आ रहा है, अगले ने ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा है, सो दिस विल नॉट बी द आंसर। थर्ड वाले में बात करें कि प्रोसेस बीसी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज म्यू सी वी डेल्टा टी टी सी माइनस टी बी दैट इज माइनस 150, सो दैट वैल्यू इज माइनस 225 R। तो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ में बोला गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द होल साइक्लिक प्रोसेस इज 150 R प्लस में। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस होता ना उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है जीरो, तो इस वाले केस में अपन फोर्थ वाले ऑप्शन को भी कितना बोलेंगे, इनकरेक्ट बोलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक कॉन्स्टेंट मास जो है वो रिप्रेजेंटेड बाई वॉल्यूम वी और हमें इस केस में वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ गिवन है एंड प्रेशर का ग्राफ बनाना है, एक तो टेम्परेचर के साथ एक प्रेशर का ग्राफ बनाना है वॉल्यूम के साथ। देखिए यदि मैं प्रेशर के ग्राफ की वॉल्यूम के साथ बात टेम्परेचर के साथ बात करूं, पी वर्सेस टी करेक्ट वाला मैं बना देता हूं, इनकरेक्ट वाले में अपन बात कर लेंगे। ए से बी इज आइसोबारिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग। बी से सी इज आइसोकोरिक प्रोसेस और इन दैट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग सो प्रेशर विल बी ऑल्सो डिक्रीजिंग, सो आइसोकोरिक प्रोसेस ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस वन इज ए दिस वन इज बी। सी से ए में आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सो द प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग, सो द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी लाइक दिस फॉर प्रोसेस ए बी सी, दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यदि आप प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर में, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ में बात करते हैं, तो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ में ए से बी की बात करें, सबसे पहले अपन ए से बी, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, द वॉल्यूम शुड बी इंक्रीजिंग, पीवी की बात कर लेते हैं। ए से बी प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम विल बी इंक्रीजिंग। बी से सी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज। फिर उसके बाद सी से ए आइसोथर्मल प्रोसेस है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है प्रेशर इंक्रीजिंग है, सो द ग्राफ विल बी दिस। ऐसा ग्राफ किसी भी साइकिल में शोन नहीं है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, सो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को बोला गया है कि एक मिक्सचर में 2 मोल ऑक्सीजन और 4 मोल ऑर्गन गैस जो है वो प्रेजेंट है और टेम्परेचर टी है, वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट करना है और हमें सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करना है। तो हमने कहा जी टोटल इंटरनल एनर्जी म्यू वन सी वन टी प्लस म्यू टू सी टू टी, दिस वन इज 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 5R/2 इंटू में टी प्लस 4 मोल्स ऑफ ऑर्गन दैट इज 3R/2 इंटू में टी। यहां से देखिए ये कैंसिल आउट हुआ 2 times, दिस डाटा इज 6, दिस डाटा इज 5, सो अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 11 RT, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक बात, चलिए फिफ्थ के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। 6 जो है वो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेम्परेचर। देखो जिसमें स्पीड ज्यादा मॉलिक्यूल्स की, सिंपल सा फंडा होता है, उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब इस वाले केस में यदि अपन आरएमएस स्पीड की बात करें, से एवरेज स्पीड कहीं यहां से इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहां से होगी। अब इस वाले केस में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है, इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम है। अब मोस्ट प्रोबेबल से बात कर लो, एवरेज से बात कर लो, आरएमएस से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मोस्ट प्रोबेबल का ग्राफ डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये वाली होगी, इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये वाली होगी। तो T1 के केस में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम है, T2 के केस में ज्यादा है, तो टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1, सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को 6 के बाद, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th में क्या बोला गया है कि एक रिंग सेप ट्यूब है जिसमें दो आइडियल गैसेस हैं जिनके इक्वल मासेस हैं और एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो 32 और 28 है। द गैसेस आर सेपरेटेड बाय वन फिक्स्ड पार्टीशन पी, ये पार्टीशन जो है वो फिक्स्ड है, और अनदर मूवेबल कंडक्टिंग पार्टीशन एस, जो कंडक्टिंग पार्टीशन एस है इसमें गिवन इंफॉर्मेशन होगा कि दोनों ही पार्टीशन है वो थर्मली कंडक्टर है, मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट द ट्यूब विल बी टेम्परेचर विल बी सेम। ओके, S which can move freely without friction inside the ring, the angle alpha as shown in the figure in equilibrium is, equilibrium में angle alpha की value क्या होगी? मैंने कहा देखो इधर जो pressure है वही pressure इधर वाली side है, दोनों side pressure same है, दोनों side temperature same है, pressure और temperature same है, तो I can say कि volume और number of moles का जो ratio होगा that will be also same, मैं moles को mu से represent कर रहा हूँ। वॉल्यूम जो होता है वो ट्यूब का एरिया, मान लो इस ट्यूब की ये जो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है, और इसकी लेंथ हो जाएगी उधर वाले पार्शन की 2 पाई माइनस अल्फा इनटू में रेडियस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स दैट इज मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, मोलर मास इज 32। सिमिलरली इधर वाले केस में वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ दैट इज अल्फा इनटू आर डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 28। अब देखो बेटा यहां से AR से AR सही हो गया, AM से M सही हो गया, 32 ऊपर गया, ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, सो दिस विल बी 16 पाई माइनस में 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 7 अल्फा, ये 15 अल्फा के इक्वल आया, तो यहां से सोल्व करने पर अपने अल्फा की जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 16 पाई डिवाइडेड बाय 15, सो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाएं बात को, 7th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 मोल ऑफ डायएटॉमिक गैस अंडरगोज ए प्रोसेस, पी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस V/V0³, वेर पी नॉट कॉमा वी नॉट आर कॉन्स्टेंट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस की पूछी गई है जेन द वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट। देखो जब वॉल्यूम वी नॉट के इक्वल होगा तो प्रेशर जो होगा दैट विल बी पी नॉट साथ में 1 प्लस V0/V0³, that value is P naught divided by 2, this is the pressure of the gas. Okay, at this time the temperature is V naught, volume is V naught, so the temperature is 1 mole de rakha hai, so the temperature of the gas is pressure P naught by 2 volume V naught divided by R, this is the temperature of gas, and we have to calculate the translational kinetic energy, so translational kinetic energy 3R by 2 into T se calculate karte hain, that value is P naught V naught divided by 2R, R से R सही हो गया बेटा, so this value comes as 3 times P naught V naught divided by 4, so the translational kinetic energy, for translational kinetic energy second one is the correct answer। चलिए आगे बढ़ाते हैं 8 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, the next one is question number 9 कि the RMS speed of helium gas at 27 degree Celsius and 1 atm pressure is this, then the RMS speed of the helium gas at temperature this and pressure this, pressure change किया but temperature same रखा, तो pressure और temperature के बीच एक correlation अपने पास होता है that P by rho is equals to RT by MW where MW is the molar mass, ठीक है, so RMS speed under root gamma P under root 3 P by rho से अपन calculate करते हैं, तो RMS speed पर pressure change करने से यदि अकेला प्रेशर चेंज हो रहा है टेम्परेचर सेम है तो डेंसिटी का रेशियो उस बात को मेंटेन करेगा, दैट मींस आरएमएस स्पीड जो है दैट स्पीड विल बी अनअफेक्टेड, सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को 9 के बाद, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया अपने को, फॉर अ गैस सैंपल एन नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका फंक्शन अपने को गिवन है दैट nv इज इक्वल्स टू dn / dv 3n0/V0³ for volume V से V0 and nV is equals to 0 for volume, speed V0 greater than V0, ये V जो है ना इस केस में corresponding to speed है, देखिए इस चीज का clarification यहां से हो रहा है जिसमें बोला गया है where dn is the number of molecules in the speed range V to V plus dV,
कि जो स्पीड रेंज है वी से वी प्लस डीवी की, उसमें डीएन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, वी हैव टू कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड। तो बेटा जी आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में वी स्क्वायर डीएन, वी आरएमएस स्क्वायर डिवाइडेड बाई डीएन, अंडर रूट में रहता है। तो अब वी स्क्वायर डीएन की वैल्यू की यदि आप बात करें, यहां से डीएन की वैल्यू मेरे पास आएगी 3n0 डिवाइडेड बाई वी नॉट क्यूब, साथ में वी स्क्वायर डीवी डिवाइडेड बाई डी एन इज 3n0 बाई वी नॉट क्यूब वी स्क्वायर डीवी, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम जीरो टू वी नॉट, क्योंकि स्पीड वी नॉट के बाद तो किसी भी पार्टिकल के पास वी नॉट से ज्यादा स्पीड है ही नहीं। तो 3n0 बाई वी नॉट क्यूब से 3n0 बाई वी नॉट क्यूब तो गया, ऊपर तो v4 है तो v नॉट पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, नीचे v स्क्वायर है तो v नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आएगा। सो दिस डाटा इज 3/5 v नॉट स्क्वायर, ठीक बात। यहां से जो डाटा मेरे पास आ रहा है आरएमएस का, दैट आरएमएस स्पीड विल बी रूट 3/5 इनटू में v नॉट। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, सो क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर इज सेकंड। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें 10 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, परिवेश से विलगित हैं, आर इनिशियली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड आर देन प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टेक्ट, थर्मल कॉन्टेक्ट में रखा गया, इनिशियल टेम्परेचर्स जो है वो 0 और 100 है, हीट कैपेसिटी ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, ओके, एक सर्टेन टाइम के बाद सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाता है, फाइनल टेम्परेचर के बारे में कमेंट करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा सर देखो इस केस में क्या होगा, एक सिस्टम एनर्जी देगा दूसरा सिस्टम एनर्जी लेगा, हीट कैपेसिटी के बेसिस पर बात करें तो हम ये कहेंगे कि यदि इसकी हीट कैपेसिटी S है तो दूसरे वाले की हीट कैपेसिटी 2S है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो T माइनस 0 और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो 100 माइनस T। M इंटू सी को अपन ने S लिख दिया हीट कैपेसिटी को, अब यहां से S से तो S सही बोला गया देखो कि द हीट कैपेसिटी ऑफ B इज ट्वाइस दैट ऑफ वन ऑफ दैट वन ऑफ A, बी की हीट कैपेसिटी ए की हीट कैपेसिटी की डबल है। हमने कहा यहां से टी की वैल्यू 200 माइनस में 2t आएगी, इसको इधर रह गया 3t, तो टी की वैल्यू मेरे पास आ गई 200 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस टेम्परेचर विल बी 66.67 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाएं बात को, 11 के बाद आगे बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 में बोला गया है दैट ए कंटेनर हैज एन आइडियल गैस एट प्रेशर पी, एक कंटेनर है उसमें आइडियल गैस है जिसका प्रेशर पी है, अज्यूमिंग द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज स्मॉल m, कि एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है और सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो v स्पीड से मूविंग है रैंडम डायरेक्शंस में, द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड विद द मॉलिक्यूल मेक विद यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर वॉल, कंटेनर वॉल के साथ पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा नंबर ऑफ कोलिजंस होंगी। मैंने कहा भाई साहब देखो ऐसा है, प्रेशर की वैल्यू जो होती है ना वो होती है कि एक कोलिजन में मोमेंटम चेंज इनटू नंबर ऑफ कोलिजंस ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, सही। तो नंबर ऑफ कोलिजंस इन यूनिट एरिया ऑन यूनिट टाइम इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट कोलिजन। तुमने कहा ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो आरएमएस सभी की स्पीड वी है तो आरएमएस भी वी है, तो मैं कहूं वीएक्स की वैल्यू जो होगी इस केस में दैट विल बी वी बाई रूट थ्री बाई वी, ऐसे तो होगा ना अंडर रूट वीएक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, वीएक्स वी वाई वी जेड तीनों इक्वल होंगे तो वीएक्स की वैल्यू वी बाई रूट थ्री, तो एक कोलिजन में मोलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज होगा 2mvx, बोला जाए तो 2mv डिवाइडेड बाई रूट थ्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दिस वैल्यू विल बी रूट थ्री पी डिवाइडेड बाई 2mv, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 12 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में क्या कहा गया है, One mole of ideal gas undergoes an expansion from state A to state B as shown in the VT diagram. The pressure of the gas during the process. देखिए volume और temperature दोनों increase कर रहे हैं, तो pressure बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज़,
प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, गलत बात, बढ़ेगा। ए और बी पर सेम गलत बात, तीसरा भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, सेकेंड वाला वैसे करेक्ट है। और ऑप्शन की बात करें भाई, देखो ये बोल रहा है कि डिक्रीज होगा तो ये नहीं हो सकता, ए और बी पर सेम नहीं हो सकता क्योंकि वी और टी का प्रोडक्ट सेम नहीं है, कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, वैसे करना चाहो तो डायरेक्ट सीधा। अदरवाइज मैंने कहा भाई साहब इस वाले केस में देखिए, प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशियो होता है, तो पीबी अपॉन पीए दैट वैल्यू विल बी वीबी टेम्परेचर 4T नोट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 3V नोट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T नोट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 2V नोट। T नोट से T नोट सही हो गया, V नोट से V नोट सही हो गया, दिस डाटा कम्स इज 8/3। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 वाला सा क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ भी है और हमने उसके केवल एक पार्ट के बारे में बात की है। इसमें बोला गया कि एक मोल गैस का एक मोल जो है वो एक प्रोसेस ए बी से क्रॉस करता है जिसमें पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 2P0, V0 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 1.5P0, 1.5V0 है, प्रोसेस का पीवी डायग्राम अपने को शोन है, टेम्परेचर के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। मैंने कहा भाई साहब टेम्परेचर के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट की यदि अपन बात करेंगे तो सबसे पहले तो यदि मैं इस सिस्टम में पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग दिस इज द प्रेशर, दिस वन इज वॉल्यूम, दिस वन इज 2P0, V0, V0, 2P0, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर वन। पेपर ले लेते ना, द कोऑर्डिनेट शुड बी 2P0, V0 गिवन है, तो इट्स विल बी V0, 2P0 एंड इट इज 1.5V0, 1.5P0। ठीक है, मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग यदि प्रेशर और वॉल्यूम की इक्वेशन बनाई जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम की जो इक्वेशन बनेगी दैट इज पी माइनस 2P0 इज इक्वल टू स्लोप 1.5P0 माइनस में 2V0 डिवाइडेड बाई 1.5V0 माइनस में V0 इनटू में V-V0, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन P-2P0 इज इक्वल्स टू दिस विल बी 0.5P0, दिस विल बी 0.5V0, तो माइनस में P0 V/V0 माइनस में प्लस में P0, सो द प्रेशर कम्स एज 3P0 माइनस P0V डिवाइडेड बाई V0। तो यदि अपन यहां से टेम्परेचर का फंक्शन बनाते हैं, गैस का एक मोल दे ही रखा है, तो टेम्परेचर इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट प्रेशर इज 3P0, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, P0V² डिवाइडेड बाई V0 डिवाइडेड बाई R, ये अपने पास टेम्परेचर का फंक्शन बना। यहां से यदि मैं टेम्परेचर का मैक्सिमा देखूं dT/dV दैट इज फॉर 1/V 3P0 माइनस 2P0V0 P0V डिवाइडेड बाई V0। जैसे ही इसको जीरो के इक्वल पुट करके सोल्व करते हैं, V की वैल्यू 3P0/2 पर आ रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम ऑप्टेन करेगा किस पर, इस पर। तो कंटिन्यूअसली जब A से B में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो सेकेंड वन इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो चलिए 14 का आंसर सेकंड हो गया। 14 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 15 में बोला गया है कि एक गैस ऑफ टेम्परेचर कैपिटल टी इज इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर हुज वॉल्स आर इनिशियली एट टेम्परेचर T1। ओके, द गैस एक्सर्ट्स हायर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इस बारे में कंडीशन पे बात करनी। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, यदि वॉल्स का टेम्परेचर, RMS स्पीड प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, वॉल्स का टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड से रिटर्न होगा, कम है
तो मतलब कुछ एनर्जी, कुछ तो थर्मल कंडक्शन होगा दोनों के बीच जिससे वो कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। तो यदि वो ज्यादा टेम्परेचर वाले से कोलाइड कर रहा है तो ज्यादा स्पीड से वापस आएगा, कम टेम्परेचर वाले से कोलाइड कर रहा है तो कम स्पीड से वापस आएगा। तो मोमेंटम में चेंज ज्यादा कब होगा? मोमेंटम में चेंज जो होगा भाई, दैट विल बी एम इंटू वी रिटर्न प्लस में वी स्ट्राइकिंग, इधर और इधर, तो इसलिए अपन ने प्लस में लिख दिया स्पीड के बेस। अब वी रिटर्न, जब टेम्परेचर वॉल का ज्यादा होगा तो वी रिटर्न ज्यादा होगा, वी रिटर्न ज्यादा होगा तो मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा, तो प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। तो इस केस में द गस एक्सर्ट्स ए हायर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1। बोलो ठीक बात है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में बोला गया है कि एक मोल आइडियल गैस एक प्रोसेस से क्रॉस करती है जिसकी हीट कैपेसिटी 4R है। हमें यह बोला गया है कि इस गैस के लिए वर्क डन जो है वो 2R dT है, तो CP/CV बताना है। मैंने कहा सुनो देखो, किसी भी प्रोसेस का हीट कैपेसिटी के बेसिस पर μC into dT, दैट इज द गिवन हीट dQ, वो दो चीजों में जाती है, वर्क डन 2R dT प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज म्यू की वैल्यू 1 दी गई है, 1 into CV into dT। यदि अपन C से बात करें, C इज 4R, तो 4R इज इक्वल टू 2R plus CV। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि इस गैस के लिए CV की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 2R। यदि CV 2R आया तो CP की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा? CP विल बी 3R। तो यदि मैं CP/CV रेशियो कैलकुलेट करूंगा देन दैट रेशियो विल बी 3:2। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया कि सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड बाय 3 different methods फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट एज सोन। सेम इनिशियल स्टेट से ग्राफ स्टार्ट किया है। इन ईच मेथड हीट सप्लाइड इज द सेम, हर एक मेथड में हीट सप्लाइड सेम है। इन फर्स्ट पिस्टन मूव्स अप बाय सम अमाउंट, इन सेकंड पिस्टन मूव्स डाउन। सेकंड वाला जो, फर्स्ट वाला जो है वो उस पिस्टन पिस्टन अप मूव करता है, सेकंड वाले में पिस्टन डाउन मूव करता है, और थर्ड वाले में फिक्शन पिस्टन जो है वो कॉन्स्टेंट है, स्टेशनरी है। मैंने कहा भाई साहब फर्स्ट वाले में पिस्टन यदि ऊपर गया, आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, तो देयर विल बी सम स्पेसिफिक हीट, W पॉजिटिव, डेल्टा U पॉजिटिव। दूसरे वाले केस में पिस्टन जो है ना वो नीचे मूव करके गया है, यदि ये नीचे मूव करके जाएगा तो इन सेकेंड केस W इज नेगेटिव, और थर्ड वाले केस में W कुछ है ही नहीं। तो यदि मैं स्पेसिफिक हीट की बात करता हूं ना, तो फिर सेम इनिशियल टेम्परेचर से सेम फाइनल टेम्परेचर तक ही कैलकुलेट करके कंपेयर कर सकते हैं। मतलब डेल्टा यू सब में सेम लेंगे, इसमें कुछ W पॉजिटिव है तो U ज्यादा, इसमें W मतलब Q ज्यादा, इसमें W नेगेटिव तो Q कम, और इसमें वाले में W जो है वो जीरो है, तो कुछ वैल्यू मतलब किसी बेसिस पर बात करें, जैसे इसको Q3 लिखें, इसको Q2 लिखें, और इसमें रिक्वायर्ड एनर्जी Q1 लिखें, तो Q1 विल बी ग्रेटर देन Q3 विल बी ग्रेटर देन Q2। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ सेकंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं 17 के बाद नेक्स्ट की बात करें, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। फिगर शोज द एडियाबेटिक कर्व्स फॉर 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस। एक गैस के दो आइडियल गैस के 2 mole के लिए ग्राफ शोन है। बल्क मॉडुलस जो है वो dP/-dV/d है पॉइंट P पर, बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है। हमने कहा जी बल्क मॉडुलस यदि कैलकुलेट करना है तो एडियाबेटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस जो होता है वो γP होता है। मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट होते ही काम बन जाएगा, पर गामा भी नहीं पता, गैस कैसी है पता नहीं है, आइडियल गैस है। हमने कहा जी सुनो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ गिवन है, तो यदि मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की बात करूं तो ग्राफ कुछ इक्वेशन कुछ ऐसी आती है। इसको T/V से रिप्लेस करूं तो वॉल्यूम की पावर γ-1 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आता है, मतलब टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की पावर 1-γ के। तो dT/T इज इक्वल टू 1-γ साथ में dV/V, मतलब dT/dV दैट वैल्यू इज 1-γ साथ में T/V, और इस स्पेसिफिक पॉइंट पर dT/dV इज -1। यदि dT/dV अपने पास -1 के इक्वल आ रहा है तो सोल्व करने पर γ-1 T/V दैट इज 1,
तो गामा की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस वी नोट बाई टी नोट उस पॉइंट पर, ये कुछ निकल कर आ रही है। अब गामा आ गया, प्रेशर तो जो आएगा दैट विल बी 2 RT0 upon V0। तो गामा पी की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है 2 RT0 upon V0, साथ में 1 plus V0 upon T0, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया इट इज T0 by V0, साथ में प्लस में 1। तो इस प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस आ रहा है फॉर दैट सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। अब आगे ये अपने पास मेंस के पेपर में 18 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे, अब मेंस के पेपर में 7 इंटीजर वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया कि इन ए मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर द लो टेम्परेचर कोयल्स आर एट टेम्परेचर -23 degree Celsius एंड कंप्रेस्ड गैस इन कंडेंसर एट टेम्परेचर 27 degree Celsius, द थर्मो थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा गया है। तो इसका तो सीधा सा फॉर्मूला होता है, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का कि के इज इक्वल्स टू 1 upon T1 by T2 -1। सो दिस वैल्यू विल बी, दिस वन इज 300, दिस वन इज 250 -1। सो दिस वैल्यू इज 6/5 -1, दैट इज 1/5। तो थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो इसका जाएगा दैट विल बी 5। So 5 is the correct answer. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है कि इन ए H2 गैस प्रोसेस PV² is equals to constant, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। मैंने कहा देखो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसकी इक्वेशन PV^(x) is equals to constant है, तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी nR∆T/1 - x, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो μCV∆T होता ही है। हमें W/∆U का रेशियो निकालना, दैट इज R/1 - x × CV। CV इज व्हाट, 5R/2, ठीक है सर। R से तो R सही दोगे, 2 चला गया ऊपर, 1 - 2 × 5, That is -2/5, so that value comes as -0.4, और हमसे इसके मैग्नीट्यूड की बात की गई है, then magnitude will be 0.4। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं 2 के बाद, the next one is question number 3। 3 में बोला गया कि cyclic process में work done by gas from A to B to C, वापस A नहीं, A से B से C तक का work done 50 है, और इसमें एक information missing है, that will be J = 4.2, it is given in your paper। कि हमने इस प्रोसेस में 20 कैलोरी हीट दी है, तो सुनो देखो ए से बी और बी से सी आपने जो एनर्जी दी दैट इज 84, 20 × 4.2, जिसमें से वर्क डन हुआ 50 का, बचा हुआ किस में गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आया दैट इज 34 जूल, यहां से यहां यहां तक। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है, तो जितना ए से बी, बी से सी, उसका अपोजिट सी से ए में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मेरे पास निकल के आया दैट वैल्यू इज -34 जूल, सो मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, 34। बोलो ठीक बात है। चलिए तो सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया कि एक सील्ड वेसल है जिसमें डाईएटॉमिक गैस प्रेजेंट है, टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट इंक्रीज की वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट होते हैं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस जो है वो 8% से डिक्रीज हो जाती है, तो मोल का कितना फ्रैक्शन जो हुआ है वो डिसोसिएट हुआ है। हमने कहा जी मोल्स के डिसोसिएटेड फ्रैक्शन की बात करें, मतलब यदि पहले स्पेसिफिक हीट डाइएटॉमिक गैस की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो अपने पास स्पेसिफिक हीट जो है वो 5R/2 है, और बाद में उसकी जो स्पेसिफिक हीट है ये डाटा अपने पास (0.92) × में कितना हो जाएगा, दैट वैल्यू इज 5R/2। पहले का 8% डिक्रीमेंट, तो बचा कितना 92% इज इक्वल्स टू, मैंने कहा मान लो पहले 100 मोल्स थे और x जो है वो डिसोसिएट हो गए, तो मोनोएटॉमिक 2x हो गए, और डाइएटॉमिक कितने बच गए, 100 - x = (÷ μ1 CV1 + μ2 CP2 / CV2 / μ1 + μ2। μ1 की वैल्यू कितनी है, बोले जी μ1 की वैल्यू है 2x और μ2 की वैल्यू है 100 - x। अब इससे यदि अपन सोल्व करते हैं
तो x की वैल्यू जो अपने पास आती है दैट इज 1/9, दैट इज 0.11 इज द करेक्ट आंसर. मतलब नंबर ऑफ फ्रैक्शन की बात करें, x by 100 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो x by 100 की वैल्यू अपने, क्योंकि अपने से पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मोल्स गॉट डिसोसिएटेड, तो फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, सो द करेक्ट आंसर विल बी 0.11. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. देखिए 5 में क्या कहा गया है, 5 में बोला गया है कि एक आइडियल गैस है जिसके 0.5 मोल जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन से क्रॉस कर रहे हैं, और हीट के साथ इसका ग्राफ दिया गया है फाइनल वर्सेस इनिशियल वॉल्यूम का, फाइनल वॉल्यूम का. और ये पूछा गया है कि गैस का टेम्परेचर यदि x केल्विन है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बाई 10. मैंने कहा देखो जब आपने 1500 जूल एनर्जी इसमें एड कर दी ना, तो उस टाइम में एनर्जी की वैल्यू जीरो नंबर ऑफ मोल्स इंटू में आर इंटू में टेम्परेचर टी इंटू में लॉग ऑफ वी फाइनल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ वी इनिशियल. एक डाटा आपके पास गिवन है इस वाले केस में कि लॉग 9 की वैल्यू जो है वी हैव टू टेक इट लाइक 2. तो यहां से यदि अपन सोल्व करते हैं तो इस गैस का टेम्परेचर जो अपने पास निकल के आता है, दैट टेम्परेचर कम्स एज 360 केल्विन. x की वैल्यू 360 आ गई, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बाय 10, सो द x बाय 10 इज व्हाट, 36. बोलो ठीक बात. चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें 5 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. 6 में बोला गया है कि ए सिलेंडर फिटेड विद अ मेटल पिस्टन कंटेन्स वाटर एंड स्टीम एट कांस्टेंट टेंपरेचर एज शोन इन फिगर. इसमें वाटर भी है और स्टीम भी है. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है. पिस्टन जो है वो स्लोली फॉल कर रहा है 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से. स्टीम की जो डेंसिटी है वो दे रखी है, और ये पूछा गया है कि ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में गिवन है ना, वो कि ये जो पिस्टन है ये मेटल पिस्टन है, और मेटल पिस्टन कंडक्टिंग पिस्टन होता है. कंडक्टिंग पिस्टन होता है मतलब अपने को टेम्परेचर को क्या रखना है, सेम ये बताना है कि हीट जो है वो किस रेट से यहां से बाहर निकल रही है. बोले जी ठीक बात है. तो हमने कहा देखो सबसे पहली चीज इस वाले केस में, लेट मी पिक द पेपर ताकि अपन इसमें बात कर पाए क्वेश्चन के डाटा के साथ. सबसे पहली चीज तो उसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ कंडक्टिंग पिस्टन है, तो ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा. अब इस केस में यदि मैं ये कहूं कि पिस्टन नीचे की ओर गिर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है. टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वी कैन से दैट पी डीवी इज इक्वल टू डेल्टा एन इनटू में आरटी. अब डेल्टा एन की वैल्यू जो है आई कैन राइट इट लाइक पी बाई आरटी इनटू में चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम दैट कैन बी एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल. तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो कि स्टीम के चेंज हो रही हैं पर यूनिट टाइम में, दैट विल बी प्रेशर बाय आरटी इनटू में एरिया इनटू स्पीड. अब पी बाय आरटी जो होता है, अपने पास एक इक्वेशन है कि पी बाय रो की वैल्यू जो है वो आरटी बाय एमडब्ल्यू के इक्वल होती है, तो p by rt can be written as what, rho by mw. जैसे ही डाटा इसमें पुट किया rho by mw, mw को इधर मूव मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज द टोटल मास. तो टोटल मास जो स्टीम का डिक्रीज हो रहा है पर सेकेंड, दैट इज rho a इनटू v. तो इसके बेसिस पर यदि मैं बात करता हूं, टोटल मास के बेसिस पर बात करूं, ये डेल्टा है मतलब टोटल मास जो डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी कितनी बोले लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई कर दे. लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई करोगे, नाउ व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज 6 इनटू 10 की पावर माइनस 4 इनटू में एरिया इज 2.5 स्पीड इज 1/4. मैंने सारे डाटा जो है वो सीजीएस में ले लिए हैं एक बार. तो डेल्टा एम बाय डेल्टा टी की बात कर लेते हैं पहले. अब देखो इस वाले केस में ये तो नीचे गया 10 टाइम्स, ठीक है. This is 25 into 6, that value is 150 divided by 40 into 10 की पार माइनस 4, and that data is gram per second.
मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 150 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10^-7 केजी पर सेकेंड, और 1 केजी के रिगार्डिंग जो एनर्जी है दैट इज 225 इंटू में 10^3। चलिए सर, यदि पावर्स के बेसिस पर बात की जाए, हमें उसकी स्पीड कैलकुलेट, एनर्जी एमिशन रेट कैलकुलेट करनी है जूल पर सेकेंड में। यहां से यदि आप बात करेंगे 10 से, तो 10 सही हो गया। अब ये वाला डाटा जो मेरे पास बच रहा है दैट इज 150 इंटू में 225 डिवाइडेड बाई 4। ये 10^3 है, ये 10^7 है, तो 10^4 बच गया, और 10^4 को नीचे बेच दिया 4, ये कटा भाई साहब। जैसे ही ये डाटा कैंसिल आउट हुआ, ये 225 है, तो 25 से यदि मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये 19 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला डाटा जो है ये 40 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से यदि अपन बात करते हैं देन दिस डाटा विल बी 40, दिस इज 160, और 19 15 इंटू में 9 की यदि मैं बात करूं तो 15 इंटू 9 अपने पास कुछ, एक बार इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं ना, ऐसा करते हैं, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस डाटा विल बी 27 डिवाइडेड बाय 32, सो इट विल बी 27 डिवाइडेड बाय 32 जूल पर सेकंड, और इसके बेसिस पर डाटा की बात करेंगे तो दिस विल बी 0.8438 कुछ आता है, तो 0.84 इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक बात। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 में कहा गया है कि आइडियल डायएटोमिक गैस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें 2 आइसोकोरिक 2 आइसोबारिक लाइंस है, गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो 5 टाइम्स राइज होता है, आइसोकोरिक हीटिंग और आइसोकोरिक आइसोबारिक एक्सपेंशन दोनों में ही एफिशिएंसी पूछी गई है साइकिल की। 2 आइसोकोरिक प्रोसेस है और 2 आइसोबारिक है, तो एक आइसोकोरिक ऐसा, एक आइसोबारिक ऐसा, फिर आइसोबारिक आइसोकोरिक। यदि मैं ये कहूं टेम्परेचर 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे ये पॉइंट पी नोट वी नोट है, तो ये वाला पॉइंट 5 पी नोट होगा, सिमिलरली ये वाला पॉइंट 5 वी नोट होगा, तभी टेम्परेचर में 5 टाइम्स का इंक्रीमेंट होगा। अब इस बेसिस पर टोटल वर्क डन तो 16 पी नोट वी नोट हो गया, बोले जी बढ़िया, डिवाइडेड बाय टोटल हीट गिवन, हीट गिवन एक तो इस प्रोसेस में गिवन होगी और एक इसमें गिवन होगी, इसमें कितनी गिवन होगी, एन सी वी, सी वी की वैल्यू, गैस कैसी है डायएटोमिक, सो इट इज 5R/2 इंटू में एनआर डेल्टा टी दैट इज 4 पी नोट वी नोट। बोलो सही बात, अपन ने क्या एन सी वी डेल्टा टी करना होता है ना, तो डेल्टा टी के प्लेस पर तो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, सी वी की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, नंबर ऑफ मोल्स अपने को पुट करने हैं, तो प्लस में इस पे बात करते हैं अभी, सीपी की वैल्यू कितनी 7R/2, और इस वाले केस में भी अपन यहां से 25 वाले डाटा से, 5 वाले डाटा से 25 तक गए हैं, तो दिस वैल्यू विल बी 20 पी नोट वी नोट। टेम्परेचर के लिए बात करोगे तो टेम्परेचर में डिवाइडेड बाय, जैसे आप यहां एन लिखोगे, यहां एन लिखोगे डिवाइडेड बाय एनआर और पुट करोगे, तो एनआर से तो एनआर वाला डाटा जो है ना वो सही हो गया यहां से, ठीक बात, इसके लिए बोल रहा था मैं कि बाद में बात करेंगे। अब यहां से ये वाला डाटा जो मेरे पास आ रहा है, देखो ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स, सो दिस डाटा इज 16 पी नोट वी नोट डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज 10 एंड दिस वैल्यू इज 70, सो इट इज 80 पी नोट वी नोट, तो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर इज 1/5, और पॉइंट्स में बात करें तो 0.20 दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर, सो दैट्स ऑल इन द डिस्कशन ऑफ जेईई मेंस पेपर, नाउ लेट्स मूव टू द एडवांस सेक्शन। एडवांस वाला जो सेक्शन है इसमें अपने पास 2 पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के बाद 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और 6 इंटीजर वाले क्वेश्चंस है, सो लेट्स स्टार्ट विद पैराग्राफ नंबर 1। तो देखो इस पैराग्राफ में बोला गया है कि सपोज वी हैव एन इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ वॉल्यूम वी, द वॉल्स ऑफ द वेसल आर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिल्स द वेसल, ओके, दे बिहेव लाइक गैस ऑफ फोटॉन्स अकॉर्डिंग टू द फोटोन थ्योरी। मैम ने कहा कि मतलब हमारे पास एक इवैक्यूएटेड वेसल है जिसका वॉल्यूम वी है और उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रेजेंट है, और ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो फोटोन्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वेसल को फिल कर रहे हैं, और वो गैस के फोटोन की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब हमें गैस के फोटोन, गैस के मॉलिक्यूल्स के प्लेस पर फोटोन्स की तरह सोचना है। अब इसमें बोला गया अकॉर्डिंग टू द फोटोन थ्योरी दीज फोटोन्स कैरिंग मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी, मोमेंटम भी होता है और इनके पास एनर्जी भी होती, जब ये स्ट्राइक करते हैं वेसल की वॉल्स के साथ तो उनके मोमेंटम में चेंज होता है,
दैट्स द एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स विच डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर डिपेंड करता है. इंटेंसिटी इन टर्न्स डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस फोटोनों के, मतलब मोमेंटम में चेंज होता है तो वो गैस की तरह उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं. और ये वाली जो चीज है ये डिपेंड करती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है उनकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी ज्यादा है. अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और वॉल्स कैन एक्सपेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रेशर, मतलब वॉल्यूम में चेंज को अपन कंसिडरेशन में ले सकते हैं. गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो कुछ इस फॉर्मूले से दी गई है और प्रेशर जो है वो कुछ इस फॉर्मूले से दिया गया है. अब अपने को इसके अंदर बात करनी है पहली चीज कि एक तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है सिग्मा, और एक अपने पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट गिवन है के, हमें इन दोनों का रेशियो बतलाना है. ठीक है जी सर, चलिए मैं पेपर ले लेता हूं. तो सबसे पहले प्रेशर की जो इक्वेशन मेरे को गिवन है, दैट इक्वेशन इज पी इज इक्वल टू के बाई थ्री इंटू टी की पावर फोर. तो यहां से मैंने बात की प्रेशर होता है एम एल टू एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टेम्परेचर रेस टू द पावर फोर. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ की. अब स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट जो होता है वो अपने पास होता है एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल टू इन टू में टाइम इज इक्व टू सिग्मा, और ये लगा साथ में थीटा की पावर फोर. हमें के बाई सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. तो के बाई सिग्मा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इट, इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाई थीटा रेस टू द पावर फोर. इट इज एम एल टू से एल टू गया टी माइनस टू और टी इंटू थीटा रेस टू द पावर फोर. टी माइनस टू से टी माइनस टू गया, एम से एम गया, थीटा पावर फोर से थीटा पावर फोर गया. तो के बाई सिग्मा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बचा दैट इज एल माइनस वन इंटू में टी. सो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, वो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. इस वाले क्वेश्चन में मुझे इस सिस्टम में दो एडियाबेटिक और दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग पीवी डायग्राम बनाना है. सुनो, देखो प्रेशर जो है ना वो टेम्परेचर पर कुछ इस टाइप से डिपेंड कर रहा था. जैसे हमने आइडियल गैस के लिए बात की वैसे इसके लिए बात नहीं की जा सकती. बात समझ गए? तो टेम्परेचर कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, यदि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर भी क्या लेना है कांस्टेंट. तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होंगे उनका ग्राफ ये वाला या फिर ये वाला. अब दो ऑप्शन हो गए. फिर हमें एडियाबेटिक के लिए फॉलो करना है तो वैसे तो डायरेक्टली हिट करो बोले आइसोथर्मल और एडियाबेटिक सेम नहीं हो सकते, सेकंड हो जाएगा. पर फिर भी आप यदि सोचना चाहो, देखो डी यू की वैल्यू जो है यू के बेसिस पर डिफरेंशिएशन से इट इज के डी वी टी की पावर फोर प्लस में फोर के वी टी क्यूब डी टी. और यदि मैं डी डब्ल्यू की बात करता हूं तो डी डब्ल्यू होता है पी डी वी. तो डी डब्ल्यू की बात करेंगे दैट इज के बाई थ्री इंटू टी की पावर फोर साथ में डी वी. तो मैंने कहा डी क्यू आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो कि जीरो होता है वो डी डब्ल्यू प्लस डी यू के इक्वल होगा. यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो फोर के बाई थ्री इंटू डी वी इंटू टी की पावर फोर प्लस में फोर के वी इंटू टी क्यूब इंटू डी टी. यहां से सोल्व करेंगे तो dv अपॉन 3v प्लस dt अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा. dv अपॉन 3v प्लस में dt अपॉन t इज इक्वल टू कोई जीरो आ गया. इंटीग्रेट करने पर t v की पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपने पास निकल के आ गया. मतलब ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक बात है सर. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. आगे अपने पास एक पैराग्राफ है. पैराग्राफ में बोला गया है कि देर आर कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम ऑफ एन आइडियल गैस इन ए कंटेनर. लेट स्मॉल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिनोटेड बाय यू एक्स. एक्स वेलोसिटी जो है वो यू एक्स से डिनोटेड है. गैस जो है एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन जिसका एरिया कैपिटल ए है उसके थ्रू क्लोज की गई है. अब बोला यह जा रहा है पहले वाले केस में कि यदि पिस्टन को इस टाइप से मूव किया गया कि गैस का वॉल्यूम हाफ हो गया, कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा गया है,
तो हमें पता है कि वॉल्यूम हाफ तो प्रेशर डबल हो जाएगा. ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द पिस्टन इज बिकॉज कि गैस के प्रेशर में पिस्टन के प्रेशर में द प्रेशर ऑन द पिस्टन. बात यह है कि हम यदि प्रेशर की बात करेंगे तो हमें बात करनी है किसके ऊपर, बोले जी पिस्टन के ऊपर बात करनी है. अब पिस्टन के ऊपर बात करनी है तो सुनो, ना तो पिस्टन का एरिया बदला, ना पिस्टन से कोलाइडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ, इसका मतलब प्रेशर डबल हुआ है. तो जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है दैट इज डबल. सो अकॉर्डिंग टू दिस मोमेंटम चेंज जो है पर कोलिजन कांस्टेंट रहता है, पर फ्रीक्वेंसी जो है ना कोलिजन की दैट बिकम्स डबल. सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. व्हाइल नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द प्रेशर विद द वॉल्स. वॉल्स के ऊपर प्रेशर को लेकर बात की गई है. तो देखो वॉल्स के ऊपर प्रेशर को लेकर यदि बात की जाएगी तो वॉल्स के साथ तो बीच का सेपरेशन भी सेम है, तो एक्स वेलोसिटी जो है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी में भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो स्पीड भी कांस्टेंट है. ना फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा पर कोलिजन, ना मोमेंटम में चेंज होगा. वॉल्स का एरिया हाफ हो गया है, दैट्स व्हाई द प्रेशर ऑन द वॉल्स बिकम्स डबल. वो किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ वन, नन ऑफ दीस इज द करेक्ट आंसर. बहुत ट्रिकी सा सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट यदि मैं इसमें बात करूं, देयर आर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. देखिए मल्टीपल चॉइस में पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी, ऑर्डिनरी पर ये होता है, हाई टेम्परेचर पर उसके पास इट कैन हैव वाइब्रेशनल एनर्जी और इसके रिजल्ट से अपने को सीवी के बारे में कमेंट करना है. देखो यदि मोनोएटॉमिक गैस होगी तो वाइब्रेशनल एनर्जी तो कभी आएगी नहीं, तो मोनोएटॉमिक गैस के सीवी में तो कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन डाइएटॉमिक गैस में यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, सीवी जो होता है वो FR by 2 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी मोर देन 5, अब 6, 7 जो भी है. तो हम इस बेसिस पे बोल रहे हैं, ऑब्वियसली जनरली अपन 7 लेते हैं ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 7 यदि लेंगे that will be more than 5 at higher temperature. So specific heat will be greater than 5 R by 2. So according to this, 1 and 4 are the correct answers for this question. चलिए अगले question की बात करते हैं. Question number 2. देखिए question number 2 में ये बोला गया है कि which of the following statement is oblique R true for a fixed amount of ideal gas? कि यदि temperature double करते हैं, ideal gas है मतलब PV is equals to nRT follow होगा. यदि आपने प्रेशर डबल किया, टेम्परेचर डबल हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. यदि वॉल्यूम डबल किया तो टेम्परेचर भी डबल होगा, गलत बात. कहां बोला गया कि आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर चेंज हो गया तो. सो सेकंड वन इज द इनकरेक्ट आंसर. थर्ड में बोला गया है वॉल्यूम डबल करने पर टेम्परेचर हाफ हो सकता है, प्रेशर 4 times हो गया. बात समझ रहे हो मेरी, प्रेशर 4 times हो गया तो टेम्परेचर क्या हो सकता है, हाफ हो सकता है. सो थर्ड वन इज द आल्सो करेक्ट आंसर. फोर्थ वाले में बोले प्रेशर को डबल किया तो टेम्परेचर हाफ बिल्कुल हो सकता है सर, प्रेशर डबल करने पर टेम्परेचर डबल भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर दैट बाय विच फैक्टर वॉल्यूम इज चेंजिंग. सो अकॉर्डिंग टू दिस 1, 3, 4 आर द करेक्ट आंसर्स. चलिए सर 2 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, 3 में बोला जा रहा है कि एक क्लोज्ड कंटेनर है फुली आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड, 1/2 ऑफ इट इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस सेपरेटेड बाय ए प्लेन पी एंड द अदर हाफ वाई कंटेन्स वैक्यूम, दूसरे हाफ में वैक्यूम है. जब पी को अपन ने रिमूव कर दिया तो गैस जो है एक्स की वो वाई में मूव कर गई, तो उनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. देखो इस वाले केस में जैसे ही आपने इस वाले पोर्शन को रिमूव किया, गैस जो है उसका फ्री एक्सपेंशन होगा. फ्री एक्सपेंशन होता है तो क्योंकि उधर क्या है वैक्यूम, तो फ्री एक्सपेंशन के केस में गैस के थ्रू कोई वर्क डन नहीं होता. गैस के थ्रू कोई वर्क डन नहीं होता तो गैस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, इंटरनल एनर्जी में कोई, क्योंकि आपने क्यू नहीं दिया, डब्ल्यू नहीं किया, तो डेल्टा यू तो होने से रहा. इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा. टेम्परेचर सेम रहेगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, गैस का टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. अब गैस के प्रेशर पर बात की गई है, प्रेशर डबल नहीं, वॉल्यूम डबल, तो प्रेशर कितना, हाफ, क्योंकि PV is equals to nRT अपने को फॉलो करवाना है, तो प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. सो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं 3 के बाद, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. देखो 4 में क्या कहा गया है, कि 2 moles है O2 के, टेम्परेचर T0 पर,
और 3 moles है CO2 के temperature 2T node पर allowed to mix together in a closed adiabatic vessel. Finally thermal equilibrium में आ जाते हैं तो एक तो final temperature बताना है mixer का और adiabatic exponent बताना है mixer का. ये जो adiabatic exponent वाला question ना, इसके ऊपर JEE mains में question आ चुका है 2-4 बार, यानी एक बार नहीं 2-4 बार. चलिए तो इस वाले केस में सबसे पहले temperature of mixer की बात करें तो oxygen temperature में, ऑक्सीजन के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा तो ऑक्सीजन गैस के 2 moles हैं, CV is 5R/2, टेम्परेचर T माइनस T नोट. CO2 गैस के 3 moles हैं, 3 इंटू में CO2 Cr बोले तो 3R/3R, इंटू में टेम्परेचर की बात करें तो 2T नोट माइनस में T. अब देखो यहां से R से R सही हो गया, ये 2 से 2 सही हो गया, 5T माइनस 5T नोट इज इक्वल टू 18T नोट माइनस में 9T. इसको इधर ले, दिस डाटा इज 14T इज इक्वल टू 23T नोट. तो यहां से यदि अपन गैस के टेंपरेचर की बात करते हैं तो 23T नोट डिवाइडेड बाय 14, सो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद गामा मिक्सर की बात की गई है तो गामा मिक्सर जो होता है वो म्यू वन इंटू सीपी वन, म्यू टू इंटू सीपी टू डिवाइडेड बाय म्यू वन इंटू सीवी वन प्लस म्यू टू इंटू सीवी टू. आर तो सही हो गया, दिस डाटा इज 7 + 12 एंड दिस डाटा इज 5 + 9, सो दिस वैल्यू विल बी 19 डिवाइडेड बाई 14, सो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को बोला गया है कि कुछ प्रोसेसेस हैं जिनका पीवी डायग्राम अपने को शो किया गया है. प्रोसेस एडीसी जो है वो एडियाबेटिक है, एबी आइसोथर्मल है, बीसी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होने वाला प्रोसेस है. द हीट एडेड टू द गैस अलोंग पाथ एबी इज 400 कैलोरी. एबी में हीट गिवन जो है वो 400 कैलोरी है. यदि हीट गिवन 400 कैलोरी है तो वर्क डन भी 400 कैलोरी होता है. आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू कितना होता है, 0. तो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड में बोल रहा है, आगे बोल रहा है, द हीट एडेड टू द गैस अलोंग ए बी इज 400. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1000 कैलोरी है ना. तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 1000 कैलोरी प्लस में, तो वर्क डन जो है वो माइनस में 1000, तो ए से सी में वर्क डन विल बी प्लस में 1000. और डी से सी के लिए, डी से सी के लिए वर्क डन जो है 150 है. डी से सी में 150 है तो ए से डी में कितना हो जाएगा, 1850. ए से डी में ना कि डी से ए में, तो फोर्थ ऑप्शन यहां से इनकरेक्ट हो गया. अब उसके बाद सी से डी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सी से डी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात की गई है. वर्क डन जो है वो डी से सी में 150, तो सी से डी में माइनस 150. और एडियाबेटिक प्रोसेस है, एनर्जी आप दे नहीं रहे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज वर्क डन. सो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट. अब उसके बाद सेकंड वाले में बोला गया है कि हीट एडेड टू द सिस्टम फ्रॉम बी टू सी इज माइनस 1000 कैलोरी. यदि अपन बी से सी में बात करते हैं तो बी से सी वाले केस में सिस्टम को जो एडेड हीट है हमें उसके बारे में बोलना है. ठीक है साहब, देखो इस वाले केस में सी से ए में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है, सी से ए में 1000 का है, ए से बी में कुछ है नहीं, तो बी से सी में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वही सी से ए में होगा. मतलब 1000 कैलोरी 1000 कैलोरी दोनों में, इसमें 1000 कैलोरी प्लस में, तो इसमें 1000 कैलोरी किसमें, माइनस में. तो हीट एडेड दैट विल बी व्हाट, माइनस ऑफ 1000 कैलोरी. सो अकॉर्डिंग टू दिस 1, 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स. बोलो ठीक बात है क्या सर. अच्छा चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. 6 में बोला गया है, इन द फिगर शोन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस इज प्लॉटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द गैस इज ड्रॉन ऑन द वर्टिकल एक्सिस. वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द फिगर इज एन आइसोथर्म. और जो दो अदर गैसेज हैं, दो जो और कर्व हैं, वो अपने पास आइसोबार्स हैं. इनिशियल स्टेट ऑफ बोथ द, ओके इस वाले केस में दिस वन इज ग्राफ नंबर 2 एंड दिस वन इज ग्राफ नंबर 1. इट इज नॉट मार्क्ड ऑन द पेपर नंबर 6, इट शुड बी. देखो, हीट सप्लाइड टू 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस इज प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है,
एक तो है आइसोथर्मल है, एक दो जो है वो आइसोबारिक है, सेम इनिशियल से सेम फाइनल स्टेट तक जा रहे हैं, हमें सही स्टेटमेंट्स को चूज करना है। अब देखो एक चीज को सुनना, W और Q के बीच ग्राफ, आपका वर्क डन 80 जूल आ रहा है 3 में और एनर्जी जो है वो भी 80 है, इसका मतलब प्रोसेस 3 जो है वो कौन सा प्रोसेस है, बोले दैट विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब 3 आइसोथर्मल है, तो 1 और 2 कैसे हो गया आइसोबारिक, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब उसके बाद कौन कौन सा कौन सी गैसेस के लिए है, वर्क डन जो होता है आइसोबारिक प्रोसेस में वो NR डेल्टा टी होता है। अब गैस कैसी है, गैस के मोल कितने, एक, तो पहले वाले केस में तो R डेल्टा टी जो मेरे पास आ रहा है, आपने हीट गिवन जो दे रखी है, दैट इज पहले वाले केस में हमें जो हीट गिवन है दैट इज 8 दोनों के लिए 80, जिसमें से वर्क डन हो गया 20 का, तो एनर्जी कितने की बची, 60 की, डेल्टा यू इज 60। और दूसरे वाले केस में डेल्टा यू की बात करें दैट इज 32, ठीक है, W जो है वो 20 और डेल्टा यू इज 80 माइनस 32 दैट इज 48 एंड हियर इट इज W इज 32। यदि मैं किसी भी आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा यू और W का, W और डेल्टा यू का रेशियो कैलकुलेट करता हूं ना, तो R बाई CV होता है, तो CV बाई R की बात कर लेते हैं, पहले के लिए तो आ रहा है 3 और दूसरे वाले केस में CV by R जो मेरे पास आ रहा है, CV by R for graph number 2 that is 48 divided by 32, so it is 3/2, so graph 1 is for monoatomic gas and graph 2 is for, graph 2 1 वाले के लिए बात करें तो 1 वाले में 60 20 that value is 3, तो graph 1 जो दे रखा है that's will be for a polyatomic gas, सही बात है, 20-60 के केस में यही आ रहा है। ग्राफ 2 जो आ रहा है उसमें रेशियो मेरे पास निकल कर आ रहा है कितना, 3/2, so that one is for monoatomic gas, so according to this 1, 2, 3 and 4 all are the correct answers। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद the next one is क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक डाटा मिसिंग है, वो आपके पेपर में गिवन होगा, यहाँ स्क्रीन पे गिवन नहीं है, कि हमें इस क्वेश्चन में R की वैल्यू जो लेनी है ना, दैट वैल्यू शुड बी 8.31, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल एबीसीडी एज शोन इन फिगर, ओके, अपने पास इसमें 2 एडियाबेटिक और 2 आइसोकोरिक प्रोसेसेस हैं, ए का टेम्परेचर 1000 केल्विन है, प्रेशर्स में कुछ रिलेशन दिया गया है, मेरे को ए से बी में वर्क निकालना है, बी से सी में एनर्जी नोस निकालना है और पॉइंट डी का टेम्परेचर निकालना है। देखो डी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो डी का टेम्परेचर तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो थर्ड ऑप्शन तो सही नहीं है। अब मुझे 1 और 2 के लिए बात करनी है, सबसे पहले ए से बी में वर्क डन, ए से बी में वर्क डन, तो ए का टेम्परेचर पता है, बी का टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टीबी अपॉन टीए रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू पीबी अपॉन पीए रेस टू द पावर गामा माइनस 1, और जो ये जो रेशियो मेरे को गिवन है PB अपॉन PA दैट इज 2/3, तो यहां से यदि अपन TB अपॉन TA की वैल्यू बात करते हैं तो दिस विल बी 2/3 रेस टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा दैट इज 0.4 एंड दैट वैल्यू इज गिवन है 0.85, A का टेम्परेचर 1000 है तो B का टेम्परेचर 850 आता है। वर्क डन जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल होता है, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू में CV दैट इज 3R/2 इनटू में चेंज इन टेंपरेचर दैट इज 150, तो यहां से ये जो डाटा मेरे पास आ रहा है दैट इज 450 इनटू में R, R की वैल्यू 8.31 समथिंग लेओगे तो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हीट लॉस इन द प्रोसेस B से C, B से C में हीट लॉस निकालना है, देखो B से C में हीट लॉस निकालना है, यदि B का टेंपरेचर तो मेरे पास है, यदि C का टेंपरेचर आ जाए, देखो यहां से आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इन दोनों के प्रेशर में जो रिलेशन है PB अपॉन PC दैट प्रेशर दैट बिकम्स 2 टाइम्स, सॉरी PB अपॉन PC, इसका मतलब B का टेंपरेचर C के टेंपरेचर का डबल है, मतलब C का टेंपरेचर B के टेंपरेचर का हाफ है, यदि इस पॉइंट का टेंपरेचर 850 केल्विन है तो इस वाले पॉइंट का टेंपरेचर 425 केल्विन अपने पास निकल कर आएगा,
अब इस पॉइंट का टेम्परेचर आ गया, उसके बेसिस पर एनर्जी लॉस भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज म्यू सीवी डेल्टा टी, और हीट लॉस पूछा गया है इसलिए प्लस और माइनस का कोई पंगा नहीं होगा। इस केस में माइनस वाला डाटा आएगा लेकिन वो प्लस के साथ लिख देंगे अपन, एंड दैट वैल्यू विल बी म्यू सीवी इन चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज 425। तो यदि अपन इसे सोल्व करेंगे तो इट इज 10,600 पॉइंट, थोड़ा सा वो डाटा आ रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर। बात ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ये बोला गया है कि सीपी और सीवी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हैं गैस की कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। तो हमें इसके बारे में यह बात करनी है कि सीपी माइनस सीवी डायएटोमिक गैस के लिए किसी भी गैस के लिए सीपी माइनस सीवी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, आर की इक्वल होती है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो तो कैंसिल आउट हो गया। दूसरा, सीपी प्लस सीवी जो होता है, सीवी डायएटोमिक का ज्यादा होता है तो सीपी प्लस सीवी भी जो होगा वो दैट विल बी मोर। तो डायएटोमिक गैस के लिए सीपी प्लस सीवी की वैल्यू ज्यादा होगी, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अब डायएटोमिक गैस के लिए रेशियो जो होता है ना, सीवी ज्यादा होने से रेशियो कम आएगा, रेशियो कम आएगा। तो मोनोएटोमिक के लिए सीपी बाई सीवी ज्यादा होता है, बट प्रोडक्ट की यदि अपन बात करें तो प्रोडक्ट सीपी बाई सीवी डायएटोमिक के लिए ज्यादा होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस 2 और 4 आर द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, 8 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में बोला गया है कि फिगर शोज द पीवी प्लॉट ऑफ एन आइडियल गैस टेकन थ्रू ए साइकिल एबीसीडी ए। ओके, द पार्ट एबीसी इज अ सेमी सर्कल, पार्ट सीडीए इज एन एलिप्स, देन करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। प्रोसेस ड्यूरिंग द पाथ एबी इज आइसोथर्मल, ए से बी में नहीं, कर्व ऐसा होना चाहिए हाइपरबोलिक, तो आइसोथर्मल तो नहीं होगा। हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस फ्रॉम ड्यूरिंग द प्रोसेस बी टू सी टू डी, जब गैस बी से सी और सी से डी की तरफ जा रही है। तो देखो इस वाले केस में यदि मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, उसके अलावा वर्क डन जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा यू जो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन जो आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्यू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑल्सो नेगेटिव। तो बी से सी से डी में प्रोसेस में हीट लॉस होगा, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में बोला गया है कि वर्क डन ड्यूरिंग एबीसी इज जीरो, नहीं, एबीसी में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, बोले जी एबीसी में साइक्लिक प्रोसेस इधर वाला, तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस इन साइकिल एबीसीडीए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए आएंगे। तो इट इज ए क्लॉकवाइज साइकिल, और क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन जो होता है दैट इज ए पॉजिटिव। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर्स। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 10। 10 में बोला गया है कि एक प्लेट है एंड इट इज मूविंग नॉर्मल टू इट्स प्लेन थ्रू ए गैस अंडर द एक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स कैपिटल एफ, द गैस इज कैप्ट एट वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पे रखा गया है, स्पीड ऑफ द प्लेट इज वी इज मच लेस देन द एवरेज स्पीड यू ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। ओके, देखो प्लेट की स्पीड बहुत कम है गैस मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। यदि प्लेट किसी मीडियम में मूविंग होती है, तो मैंने कहा इस वाले केस में जैसे दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक तो ये जो इधर यू स्पीड से आ रहे हैं और एक ये जो इधर यू स्पीड से आ रहे हैं, जो इधर यू से जा रहे हैं उनसे गैस कोलाइड नहीं होगी, जो इधर यू से जा रहे हैं उनसे गैस कोलाइड नहीं होगी। प्लेट मान लो प्लेट इधर जा रही है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है आफ्टर कोलिजन ये रिटर्न होगा यू प्लस टू वी से, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये आगे की तरफ जा रहा होगा 2v माइनस u से। तो इस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज हुआ 2u प्लस 2v का, और इस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज हुआ 2v माइनस 2u का। बोलो सही बात, वैसे अपन 2u माइनस में 2v बोल सकते हैं। अब इस सिचुएशन में यदि मैं बात करूं तो इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो रो ए यू प्लस वी इंटू चेंज इन मोमेंटम 2u प्लस 2v, और इधर वाला जो लग रहा होगा रो ए दैट इज u माइनस v इंटू में 2u माइनस में 2v, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर बात करें। एक फोर्स इधर वाले मॉलिक्यूल जो इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर वाले मॉलिक्यूल जो इधर लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स जो आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। इसमें से आपने 2 रो ए u प्लस v का स्क्वायर माइनस में 2 रो ए u माइनस v का स्क्वायर,
तो इन दोनों के बेसिस पर यदि मैं बात करूं तो नेट फोर्स जो निकल के आता है वो 8 रो वी रो ए इंटू में यू इंटू वी अपने पास निकल के आता है। तो देखो फोर्स जो है वो एक तो ऑप्शन से बात कर लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 में, फिर जो भी करना था अपन कर चुके हैं। एक तो फोर्स यू के प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक फोर्स वी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक यूवी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गए। प्लेट कंटिन्यूअसली क्या होगा फाइनली यदि इस पर मैं फोर्स की बात करता हूं तो एक तो सिस्टम की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक आप इसके ऊपर कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, तो जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे उस टाइम के बाद ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगा। तो तब तक के लिए यदि अपन बात करें तो एट अ लेटर टाइम एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रेजिस्टिव फोर्स से बैलेंस हो जाता है, तो कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन से बॉडी का मोशन नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1, 2 and 4 आर द करेक्ट आंसर्स। बोलो ठीक बात है। चलिए तो इंटीजर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि एक डायएटॉमिक गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 30 ग्राम पर मोल है, इसको एक कंटेनर में भरा गया जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, ये कंटेनर 100 मीटर पर सेकंड से मूविंग है, सडनली रुक जाता है तो गैस के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कुछ ऐसा मिलता है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने कहा देखो ऐसा है यदि कंटेनर रुका तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स के पास टेम्परेचर में इंक्रीमेंट पूछा गया तो जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। तो इस बेसिस पर हमने कहा भी टेम्परेचर इंक्रीमेंट जो है वहां से म्यू म्यू बोले तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, बोलो सही बात, सीवी सॉरी म्यू नंबर ऑफ मोल्स को एन कह देते हैं, सीवी गैस कैसी है डायएटॉमिक 5R/2 इनटू में डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ मास, मास इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इनटू में यू स्क्वायर, फ्रॉम हियर वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा टी। देखो हाफ से तो हाफ सही दोगे ठीक है, अब आपको डेल्टा टी बताना है, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल सही दोगे, यहां से डेल्टा टी जो मेरे पास निकल कर आ रहा है मोलर मास 30 ग्राम पर मोल है तो 30 × 10⁻³, और यू स्क्वायर की वैल्यू बोले तो 10⁴ डिवाइडेड बाई 5, और आर की वैल्यू बोले तो कितनी 25/3, बोलो सही। हमें यहां से गैस के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट की वैल्यू बतलानी है कि गैस के टेम्परेचर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हुआ 6 टाइम्स, ये वाला डाटा मेरे पास आ रहा है कितना आर में कैलकुलेट करना बहुत बढ़िया, तो इसको आर ही रखते हैं, दिस डाटा इज 60 / R 60/R, तो देखो इस वाले फंक्शन के बेसिस पर रखना है तो इट इज 10 × x / R, तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना 6, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे पास जो स्क्रीन है उसमें थोड़ा सा 2 के ऑप्शन में गड़बड़ है, बाकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपके पास सही आएगा, ये 25α × β जो लिखा हुआ ना स्क्रीन के ऊपर आपके पेपर में वो 10⁴ β के फॉर्म में था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, दिस विल बी फॉर 10⁴ β। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसकी रेडियस 5 cm है, जिसकी लेंथ जो है वो 20 cm है, एक टाइट कॉर्क से इसको अपन ने क्लोज किया है, फिर इसको हीट अप करते हैं और हीट की वजह से जब इसका इनिशियल प्रेशर 180 atm टेम्परेचर 300 K है, जब इसका टेम्परेचर 600 K हो जाता है तो उस टाइम पर ये जो कॉर्क है ये ब्लास्ट होके बाहर की ओर निकलता है। ओके तो हमें ये बताया कि जो छोटी सी लेंथ है उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है dN/dL की वैल्यू दी, छोटी सी लेंथ जो स्मॉल dL है, लेट dN डिनोट द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बता रहा है छोटी सी लेंथ dL पर, और हमें dN/dL की वैल्यू इस केस में 25α × 10⁴ β मिलती है, मुझको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बतलानी है। मैंने कहा यदि इस कंडीशन में ये कॉर्क जंप करके बाहर की ओर जाता है, मतलब इससे जस्ट पिछले वाले केस में इससे ठीक पहले फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे, टेम्परेचर जो है ना इनिशियल टेम्परेचर का आपके पास टेम्परेचर 300 K है, बाद का टेम्परेचर 600, इनिशियल टेम्परेचर का डबल हो गया, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, पहले प्रेशर यदि 10⁵ है इन्वायरमेंटल प्रेशर है, पहले प्रेशर यदि इन्वायरमेंटल प्रेशर के इक्वल है 180 atm लेना 10⁵ के इक्वल होता है, तो बाद का प्रेशर इसके अंदर का 2 atm है, 2 atm मतलब 2-1, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स जो अंदर की तरफ से लग रहा है वो इन्वायरमेंटल प्रेशर इनटू में एरिया लग रहा है, और उसकी वैल्यू जब फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू बोले तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ म्यू इनटू dN इसके इक्वल हो जाएगी, उस केस में वो जंप करके बाहर की ओर आ जाएगा। मैंने कहा थोड़ा सा
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सेट करें तो पी नोट इंटू में ए इज इक्वल टू म्यू इंटू में डीएन को डीएन बाई डीएल इंटू में डीएल लिख लेते हैं। डीएन बाई डीएल को रखना है कॉन्स्टेंट के फॉर्म में, तो म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 0.2, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल निकालेंगे तो 2 पाई आर आएगा, तो पी नोट इंटू में एरिया जो आ रहा है दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर। इट इज म्यू इंटू में डीएन बाई डीएल इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ डेट वैल्यू इज 2 पाई आर। अब यहां से जब अपन सोल्व करके dn by dl की वैल्यू निकालते हैं तो dn by dl की वैल्यू डाटा पुट कर देना, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dn by dl की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज p नोट r डिवाइडेड बाय 2 म्यू। सोल्व करोगे ये वाला डाटा 125 into 10 की पावर 2 आएगा, तो आप यहां से सोचोगे तो अल्फा की वैल्यू जो आ रही है ना दैट अल्फा इज 5 एंड बीटा की वैल्यू जो आपके पास आ रही है दैट इज 2, और अपने से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है सो अल्फा प्लस बीटा विल बी व्हाट 7, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज द 7। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक काफी कैलकुलेटिव और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि 0.01 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस है जिस कंटेनर में रखे गए हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है। इस अरेंजमेंट में एक ब्लॉक है जिसका मास 0.8 केजी है, इसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे रखा गया है, पिस्टन जो है इसका मास 1 केजी है, सपोर्टेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट k = 16 न्यूटन पर मीटर। इनिशियली स्प्रिंग जो है रिलैक्स स्टेट में है, गैस का वॉल्यूम अपने को इनिशियली गिवन है। ओके, गैस का वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी एरिया इनटू लेंथ। बोलो ठीक बात। अच्छा, व्हेन द गैस इन द सिलेंडर इज हीटेड अप द पिस्टन स्टार्ट्स मूविंग अप एंड द स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड सो दैट द ब्लॉक जस्ट मतलब कैपिटल एम जो है जस्ट उठने लग जाए, तो गैस को जो सप्लाई हीट है वो 25x है, तो मेरे को x की वैल्यू बतलानी है। मैंने कहा देखो जी ऐसा है, इस वाले केस में यदि कैपिटल एम ऊपर की ओर उठता है तो स्प्रिंग में कंप्रेशन जस्ट इस केस के लिए इसके इक्वल होगा, तो मतलब x नोट की वैल्यू mg / k के इक्वल होगी। इनिशियल जो प्रेशर है ना गैस का वो P नोट प्लस mg / a के इक्वल होगा, ये डाटा बाद में काम आएगा, और फाइनल प्रेशर जो है ना गैस का दैट इज P नोट प्लस स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg डिवाइडेड बाय ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बेसिस। स्प्रिंग में कंप्रेशन kx नोट के इक्वल है तो kx नोट बट्टे में ये करेंगे तो बात वही है, फाइनल प्रेशर इतना है। यदि मैं इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की बात करना चाहूं तो आई कैन कैलकुलेट ऑल्सो दैट वैल्यू कि इनिशियल वॉल्यूम अपने को गिवन है, फाइनली सिस्टम के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन जो गिवन है मतलब वो x नोट ऊपर की ओर उठा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना उसका गिवन है वो 10 की पावर -4 है, तो इनिशियल लेंथ आ जाएगी तो फाइनल लेंथ भी अपने पास आ जाएगी। भाई इनिशियल लेंथ की वैल्यू तो अपन लिख देंगे इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द एरिया, और फाइनल लेंथ की वैल्यू अपन लिख देंगे कितनी, इनिशियल लेंथ प्लस में कितना x नोट। बोलो ठीक बात। अब इस बेसिस पर यदि मैं बोलूं मैंने कहा जस्ट उठाने ही वाला है मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी वैसे आई नहीं है, तो हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है और बहुत स्लोली हीट कर रहे हैं, तो जो भी वर्क डन हो रहा है वो कौन कौन कर रहा है, एक तो वर्क डन कर रही है गैस, एक स्मॉल एमजी पर वर्क डन हुआ है, एक एनवायरमेंटल प्रेशर का वर्क डन हुआ है, और एक वर्क डन हुआ है किसका स्प्रिंग का, और उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। तो गैस का जो वर्क डन मेरे पास आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ डब्ल्यू एमजी, ऊपर की ओर गया तो माइनस एमजी एक्स नोट हो जाएगा। इन्वायरमेंटल प्रेशर का वर्कडन जो होगा वो भी माइनस के साथ आएगा क्योंकि ऊपर की ओर गया तो पी ए नोट पी ए इंटू में एक्स नोट, और स्प्रिंग का वर्कडन भी माइनस के साथ आएगा दैट विल बी हाफ की एक्स नोट, इस पर स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है। यहां से यदि मैं गैस का वर्कडन कैलकुलेट करता हूं ना तो गैस का वर्कडन जो कैलकुलेट होकर आता है दैट वैल्यू इज 12 जूल। डाटा पुट करके बिल्कुल चेक कर लेना आंसर आ जाएगा। अब मैंने कहा कि भाई साहब गैस में जो हीट दी गई वो दो चीजों में गई, गैस का एक तो वर्कडन में, दूसरा इंटरनल एनर्जी के चेंज में, तो जो टोटल एनर्जी मिली दैट विल बी वर्कडन प्लस में डेल्टा यू। अब यहां से यदि मैं डेल्टा यू प्लस इसकी वैल्यू सोल्व करता हूं, डेल्टा यू की वैल्यू किसके वेक्टर चेक करेंगे एन सी वी डेल्टा टी, और एन सी वी डेल्टा टी जो है ना उसको अपन सजा के लिखना चाहिए ना, देखो 12 प्लस एन सी वी, सी वी की वैल्यू 5 आर बाई 2 होती है तो 5 बाई 2 को तो अपन ने बाहर रख लिया। अब ये हो गया एनआर डेल्टा टी, तो एनआर टी फाइनल माइनस में एनआर टी इनिशियल, इसको अपन रख सकते हैं पी फाइनल वी फाइनल माइनस में क्या पी इनिशियल वी इनिशियल, बहुत सिंपल सा फंडा है, पी फाइनल वी फाइनल सब कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन में है। यदि अपन डाटा पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 75 जूल आती है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये जो गिवन एनर्जी है वो 25x है, यदि गिवन एनर्जी 25x है तो इसको 25x के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू जो अपने पास आ रही दैट वैल्यू इज कमिंग एज 3, सो फॉर दिस क्वेश्चन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, फोर में बोला जा रहा है कि दो आइसोथर्मल वर्क कर्व जीवन है एक साइकिल में, फाइंड वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल, साइकिल में गैस का वर्क डन निकालना है जूल में वो भी, ठीक है
देखो कुछ इंफॉर्मेशन की बात करें ना, तो कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पहले वर्क डन एक तो इससे प्रोसेस में होगा, एक इसमें होगा, दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इनमें तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन की वैल्यू आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एनआर डेल्टा टी के इक्वल होती है। तो टोटल वर्क डन जो मेरे पास आएगा वो एनआर टी वन माइनस टी फोर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज टी टू माइनस टी थ्री। तो मेरे पास जो वर्क डन आ रहा है दैट इज एनआर टी वन प्लस एनआर टी टू माइनस में एनआर टी फोर माइनस में एनआर टी थ्री। देखो जी सर, एक काम करते हैं, मैंने कहा इस वॉल्यूम को वी वन कह देता हूं, ये प्रेशर पी वन हो गया, इस वॉल्यूम को V2 कह देता हूं, ये प्रेशर P2 हो गया। तो NR T4 जो है वो ये रहा, दैट इज P2 V1, और NR T3 जो है वो ये रहा, दैट इज P1 V2। P1 P2 V1 और P1 V2 के बारे में मेरे को बात करनी है। मैंने कहा साहब देखो ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब P1 upon V1 is equals to P2 upon V2। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है मेरे पास, P1 upon V1 is equals to P2 upon V2। और इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस वाले पॉइंट पर P2 V2 जो है वो NR T1 के इक्वल है, और P1 V1 जो है यहां वाले पॉइंट पर वो NR T2 के इक्वल है। तो यहां से यदि मैं P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 की बात करता हूं तो ये वाली वैल्यू T1 अपॉन T2 के इक्वल आ रही है। अब सुनो यहां से, P2 अपॉन P1 इज V2 अपॉन V1, जैसे यहां पर रखा तो V2 अपॉन V1 का स्क्वायर हो गया, दैट वैल्यू इज अंडर रूट में T1 बाय T2। ये मेरे पास V2 अपॉन V1 की वैल्यू आ गई, ठीक बात। अब कौन से वाले पॉइंट पे बात करनी है मुझे स्पेसिफिकली, इस वाले पॉइंट पे यदि मैं बात करता हूं तो P2 V1, इस वाले पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, पहले P2 V1 इज इक्वल्स टू दिस इज P2, और V1 की वैल्यू V2 के टर्म्स में रखी, इट इज V2 अंडर रूट में T2 बाय T1। अब P2 V2 किसके इक्वल है, इस वाले पॉइंट से NR T1 के इक्वल है। सो ये आया NR T1, और ये वाला डाटा आ गया अंडर रूट में T2 बाय T1। तो ये डाटा मेरे पास निकल कर आया NR अंडर रूट T1 T2। सिमिलरली यदि मैं P1 V2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करूंगा तो वो भी NR अंडर रूट T1 T2 आएगी। तो जैसे ही मैं वर्क डन के लिए यहां पर सोल्व करूंगा तो NR T1 प्लस NR T2 माइनस में 2NR रूट T1 T2 लग गया अपने पास। तो NR को जैसे ही कॉमन डाला दिस वैल्यू कम्स एज NR अंडर रूट T2 ज्यादा जो अंडर रूट T1 माइनस अंडर रूट T2 का होल स्क्वायर, ये वर्क डन आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करें यदि अपन, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, नंबर ऑफ मोल्स अपने को 1 दिए गए। कैपिटल R के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है, कैपिटल R इज गिवन एज 25 बाय 3, इस पेपर में नहीं है पर आपके पेपर में दिस विल बी शोन। कैपिटल R के प्लेस पर 25 बाय 3 रखना है। ये वाले डाटा की बात करोगे तो ये रूट 7, ये तो रूट 20 वाला मामला बनेगा और ये 17 वाला मामला बनेगा, इसमें पुट करेंगे तो 400 और दैट वैल्यू विल बी 289। सो इट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो कैंसिल आउट हुआ। यहां से बात की तो दिस वैल्यू विल बी 75 जूल। तो इस प्रोसेस में जूल में जो एनर्जी गिवन होगी दैट एनर्जी विल बी 75 जूल। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया डायग्राम थोड़ा सा स्क्रीन पे ऐसा गड़बड़ हो गया, बाकी आपके पेपर में सही है। ये वाली लेंथ जो दी गई है मतलब ये जो दोनों हाइट्स हैं, सॉरी ये जो दोनों हाइट्स है ना बेटा, इन दोनों हाइट्स के बीच में डिफरेंस 40 सेंटीमीटर का है। ये क्वेश्चन बिफोर करेक्शन लग गया था पर आपके पेपर में बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एक ये वाली लाइन नहीं है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है कि इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है, बाद में इस गैस को हीट किया गया 1.5 टी नोट तक, तो बाद में क्या सिचुएशन हुई। शुरू में इन दोनों की हाइट के बीच का जो डिफरेंस था, इट इज ऑब्जर्व्ड द डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर लेवल ऑफ मर्करी इन कॉलम्स ऑफ फ्लेम। शुरू में इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस था वो 40 सेंटीमीटर का है, बाद में इनमें डिफरेंस कितने का है। तो मैंने कहा देखो इधर ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैनोमीटर, इधर गैस का प्रेशर होगा इधर पी नोट होगा, तो दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है पी गैस माइनस में पी नोट, वो अपने पास किसके इक्वल होगा, इनटू में सॉरी रो जी इनटू में 40। बोलो सही है। तो गैस का जो प्रेशर है इधर से बात की जाए, यहां वाला प्रेशर है पी नोट, यहां वाला प्रेशर है पी गैस और नीचे चलकर आया है ना, तो पी गैस प्लस में रो जी एच एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस इज इक्वल टू पी नोट। तो गैस का जो प्रेशर है वो एनवायरमेंटल प्रेशर से एच हाइट से कम है ना, यदि वो एच हाइट से कम है मतलब 40 सेंटीमीटर से कम है तो
40 सेंटीमीटर ही है, ये 76 होता है, तो गैस का जो प्रेशर है वो 36 सेंटीमीटर ऑफ एनवायरनमेंट मतलब एचजी के इक्वल आएगा। बाद में क्या किया, टेम्परेचर को आपने 1.5 टी नोट कर दिया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर भी 1.5 हो गया। मतलब पहले ये डाटा 36 सेंटीमीटर ऑफ एचजी आ रहा था, ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा बेटा, पहले ये डाटा 36 सेंटीमीटर ऑफ एचजी आ रहा था, तो बाद में डाटा किसके इक्वल आएगा, 54 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। पहले वाले केस में डाटा जो आ रहा है दैट इज 36 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, दूसरे वाले केस में जो डाटा आ रहा है दैट इज 54 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो इस केस में ये 54 आ रहा है, एनवायरमेंटल से बात करें तो एनवायरमेंटल 76 है, तो हाइट में जो डिफरेंस बचा दोनों साइड में, पहले जो 40 सेंटीमीटर आ रहा था, क्योंकि आना तो ये वाला पॉइंट तो अभी भी पी नोट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 4। ये 36 था, ये 40 था, तो टोटल डाटा 76 आया था, अभी भी 76 आना चाहिए, ये वाला डाटा 54 के इक्वल आ रहा है, तो बच कितना गया, 22 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो उस केस में दोनों की हाइट्स में जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इन हाइट इज 22 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि दो मोल्स एक आइडियल गैस के 300 केल्विन पर है, पहले आइसोकोरिकली इसको, पहला प्रोसेस जो है आइसोकोरिक प्रेशर प्रोसेस है ताकि इसका प्रेशर हाफ हो जाए, और उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस है ताकि टेम्परेचर शुरू वाले के इक्वल हो जाए, ये टेम्परेचर टी, तो ये टेम्परेचर टी बाई टू, तो ये वाला टेम्परेचर कितना टी। और ये बोला गया है कि इस प्रोसेस में टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस जो है, तो देखो इसमें तो हीट एब्जॉर्ब बाय द हीट रिलीज होगी, इसमें अब्जॉर्ब होगी, तो बाद वाले में तो म्यू सीपी इंटू डेल्टा टी दैट इज टी बाई टू, और शुरू वाले में माइनस में म्यू सीवी इंटू डेल्टा टी दैट इज ऑल्सो टी बाई टू। भाई ये रिलीज होगी, ये वाली अब्जॉर्ब होगी, तो ये सीपी माइनस सीवी दैट वैल्यू इज आर डिवाइडेड बाई कितना इंटू में कितना टी बाई टू। अब म्यू की वैल्यू जो है, म्यू अपने पास गिवन है 2, आर की वैल्यू 25/3 आपके पेपर में गिवन है कि आपको स्पेसिफिकली यही वाला डाटा देना है, कैपिटल टी इज 300 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 सही हो गया, ये डाटा 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर 2 में बताना है वैल्यू कितनी आ रही है, तो वैल्यू इज 2500 जूल, सो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट आंसर इज 25 जूल। ओके डियर, सो दैट्स ऑल इन डिस्कशन फॉर पेपर डीसीएम 19 कवरिंग द टॉपिक्स केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। चलिए डियर, गुड बाय।